हेलो गाइस, वेलकम टू नवीन के ब्लॉग्स। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, बढ़िया हो? तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा अपने हिल सिटी के टूर पे। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ मलेरकोटला से। तो मलेरकोटला में एक हिस्टोरिकल शहर है मलेरकोटला, जहाँ के हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत से जगह हैं। तो उसमें से एक जगह है कुकियान द कलर, तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगा। एक्चुअली एक शहीदी स्मारक है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले चुना है। तो बाकी की हिस्ट्री जो इसकी है, मैं आपको वहीं पे जाके शेयर करूँगा। तो एक अच्छी जगह है और काफ़ी रिस्पेक्टेबल है हम लोगों के लिए। तो चलो चलते हैं। शहीदी स्मारक है, यहाँ पे 66 कुकों को, नामधारी सिंहों को शहीद किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेजों के ने एक काउ स्लॉटर हाउस खोला था, उसके विरोध में उन्होंने अटैक किया था वहाँ पे, और कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे 66 कुकों को शहीद किया था। और ये जो आपने पीछे पहले खंडा साहब देखा हुआ जिसमें होल्स हैं, ये 66 फुट ऊँचा है और इसके अंदर 66 ही होल है, क्योंकि ये 66 होल रिप्रेजेंट करते हैं उन 66 लोगों को, कुकाओं को, जिन्होंने शहीदी हासिल की थी। जो और जो होल हैं वो उनके एज के अकॉर्डिंग है कि जो जितनी एज का था तो उसके लिए उतना बड़ा होल, और जो छोटी एज का था उसके लिए छोटा होल बना दिया था उसके लिए। तो बेसिकली एक शहीदी स्मारक है, तो जो हमें बताता है कि इतिहास में हमारे जो लोगों ने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी और हमें आज़ाद कराने के लिए कैसे कैसे शहीदी हासिल की। तो एक छोटा सा इंसिडेंस है जो जहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब इनको शहीद किया जा रहा था तो क्या हुआ था। इनमें 66 कुकों में एक वरियम सिंह जी थे, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो वो उसके आगे ठीक से आ नहीं रहे थे तोप के आगे। तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर इकट्ठे किए और तोप के आगे सीना तान के खड़े हुए कि अब चलाओ तोप, और बिल्कुल भी डरे नहीं। पर एक छोटा बच्चा था जो बिशन सिंह जी थे, उनकी छोटी एज होने के कारण उनको बोला कि ये आपको शहीद नहीं किया जाएगा क्योंकि आप छोटे हो। लेकिन फिर उसने उन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेज़ के ऊपर अटैक कर दिया और बोले कि नहीं, मैंने भी शहादत लेनी है। तो उन्होंने अंग्रेज़ के ऊपर अटैक कर दिया, तो फिर 12 साल की उम्र में भी बिशन सिंह जी ने शहादत हासिल की और तोप के आगे खड़े हो गए और उनको तोप से उड़ा दिया गया। ऐसे लोगों के शहीदी को बार बार प्रणाम। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे फाउंटेन भी हैं, आर्ट गैलरीज भी हैं जो कि अभी बंद हैं, तो कभी खुलेंगे तो कभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी फुवारे वगैरह बंद रखे हुए हैं उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा इन्होंने गार्डन यहाँ पर बनाया है। इतने अच्छे अच्छे तरह के फूल हैं, पेड़ हैं, और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा इन्होंने गार्डन मेंटेन किया, आप देख सकते हैं आसपास सब तरफ। ये देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया है।
हम दूसरी जगह पे जाएंगे, मुबारक महल, जो कि नवाब मलेरकोटला जी का महल था। तो चलते हैं वहाँ पे, लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज मुबारक महल ऑफ मलेरकोटला। ये देखिए, ये कितना पुराना मुबारक महल है, मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान का।